आपको बता दें, सुजान गंगा नहर में एक युवक की कूदने की सूचना मिली है। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। मथुरा गेट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। नहर में युवक को ढूंढने का प्रयास इस समय किया जा रहा है। सिविल डिफेंस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए रखा है और आसपास के लोगों ने कहा कि एक बच्ची को भी लेकर यह व्यक्ति नहर में कूदा है। तो सुजान गंगा नहर, जहां पर एक व्यक्ति के कूदने की सूचना, लोगों का कहना है कि बच्ची को लेकर यह व्यक्ति नहर में कूदा है। फिलहाल मौके पर पुलिस भी मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। लगातार इस समय खोजबीन की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अजय कुमार। अजय कुमार, मथुरा गेट थाना पुलिस इस समय मौके पर पहुंची हुई है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल सौरभ, देखिए अभी फिलहाल इसमें अपडेट तो नहीं है, लेकिन जो सिविल डिफेंस की जो टीम है वो तीन चार जो गोताखोर हैं सिविल डिफेंस के, वो अंदर सुजान गंगा नहर में कूदे हुए हैं और वो उन शवों को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी जो शव हैं वो उसके अंदर नहीं मिल पाए हैं। वहीं थाना मथुरा गेट पुलिस भी जो मौके पे पहुंची, तो वहां पर स्थानीय लोगों ने जो पुलिस को बताया कि उसने एक बच्ची भी उसके साथ थी, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि एक व्यक्ति भागते हुए वहां पर पहुंचा और सीधा नहर में जाकर कूद गया। पुलिस ने काफी प्रयास भी किए हैं और सिविल डिफेंस की टीम भी प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति का कहीं पता नहीं लग पाया है और मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस समय सर्च ऑपरेशन जारी है। सुजान गंगा नहर में एक व्यक्ति के कूदने की सूचना, एक बच्चे के साथ ये व्यक्ति कूदा है, ऐसा वहां के आसपास के लोगों का कहना है। सिविल डिफेंस की टीम इस समय मौके पर मौजूद है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।